स्वागत है दोस्तों, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राणियों के संरचनात्मक संगठन से, ठीक है। प्राणियों के संरचनात्मक संगठन यानी कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से यहाँ पर जो है हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न अगर कोई किसी भी एग्जाम में आता है तो हम ये हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे भी ना, और कोई भी प्रश्न हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी प्रश्न जो है नहीं छूट पाएगा इस इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। अपनी प्रतिक्रिया आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स के जरिए आप दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हम देखेंगे, पहला प्रश्न है तरल ऊतक के उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो तरल ऊतक के उदाहरण क्या है? रुधिर और लसीका, ठीक है। रुधिर और लसीका तरल ऊतक के उदाहरण है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों पेशियां कितने प्रकार की? पेशियां तीन प्रकार की होती है, ठीक है। पेशियां तीन प्रकार की होती है, इसमें है रेखित पेशी, कंकाल पेशी जिसे बोला जाता है, रेखित पेशी या कंकाल पेशी इसे बोला जाता है, और दूसरा है अरेखित पेशियां हैं, और तीसरी है हृदय पेशियां, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की जो है पेशियां होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थि किस प्रकार का ऊतक है, ठीक है। तो अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? अस्थि जो है एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। अस्थि संयोजी ऊतक होता है, तो ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चार, देखिए आप, आधारभूत प्रकार का संयोजी ऊतक कौन सा है, ठीक है। तो आधारभूत प्रकार का संयोजी ऊतक कौन सा होता है? अंतराली ऊतक होता है, यानी कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अंतराली ऊतक जो होता है आधारभूत प्रकार का संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है रुधिर प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? तो रुधिर प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? स्कंदन के लिए ये आवश्यक होता है, यानी कि कोगुलेशन के लिए ये आवश्यक होता है रुधिर प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उपास्थि कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो उपास्थि कितने प्रकार की हो? दोस्तों चार प्रकार की होती है उपास्थि, ठीक है। चार प्रकार की उपास्थि होती है। नंबर एक इसमें हाइड्रोलाइन है, उसके बाद इलास्टिक है, फाइब्रस है, और कैल्सिफाइड है, ठीक है। काचाम, लचीली, तंतुमय तथा कैल्सिकृत, ठीक है। तो ये चार प्रकार की होती है उपास्थि, ठीक है। प्रश्न नंबर सात हम यहां पर देखेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की औसतन कितनी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की औसतन कितनी मात्रा पाई जाती है? लगभग 5 लीटर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो ये उसके बाद अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिराणु में सबसे अधिक संख्या कौन सी कोशिका की होती है, ठीक है। तो श्वेत रुधिराणु में सबसे अधिक संख्या जो है न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं की होती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं की होती है दोस्तों श्वेत रुधिराणु में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाओं में परिपक्व होने के पश्चात विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सी कोशिकाएं ऐसी जिनमें परिपक्व होने के बाद जो है विभाजन नहीं होता है? तो दोस्तों परिपक्व तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। परिपक्व के होने के बाद जो है तंत्रिका कोशिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ये आंसर इसका तंत्रिका कोशिका है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लिम्फोसाइट का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों लिम्फोसाइट का प्रमुख कार्य है, ये जो है प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं तथा रोगाणु का क्या करती है? भक्षण करती है, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या करते हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, और उसके बाद जो है रोगाणु का भक्षण करती हैं, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट्स के प्रमुख कार्य होते हैं दोस्तों। ये प्रश्न जो है बहुत सारे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इससे जो है प्राणियों के संरचनात्मक संगठन से हमने यहाँ पर जितने भी प्रश्न डिस्कस करेंगे, हम वादा करते हैं कि इससे कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं छूटेगा अगर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता है तो। दोस्तों ये प्रश्न जो है आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में, साइंस से रिलेटेड जितनी परीक्षाएं हैं, आप LT की तैयारी करते हैं या आप नेट की तैयारी करते हैं, आप आने वाले उद्यान से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड कोई भी परीक्षा का, या ग्रुप सी से कोई भी परीक्षा की तैयारी करते, तो आप जो है हर परीक्षा में इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप कोई भी प्रश्न इससे मिस नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा काफी अच्छे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो इसलिए हमने समझा कि इसका वीडियो बनाना उचित रहेगा, तो दोस्तों इसलिए हम इसका वीडियो बना रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रेखित पेशियों के दो कार्य लिखे, ठीक है। तो रेखित पेशियों के क्या दो कार्य क्या हैं दोस्तों? नंबर एक कार्य यह है कि ये कंडरा के रूप में पेशियों को अस्थि से जोड़ती हैं, ठीक है। रेखित पेशियों के दो कार्य बताने हैं, तो इसमें नंबर एक कार्य है, कंडरा के रूप में ये क्या करते हैं? पेशियों को अस्थियों से जोड़ती हैं, ठीक है। और दूसरा ये कार्य है इनका, स्नायु के रूप में अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है, ठीक है। अस्थियों को अस्थियों से स्नायु के रूप में जोड़ती है, और अस्थियों को पेशियों से जो है कंडरा के रूप में जोड़ती है।
तो दोस्तों यहां पर जो है दो चीज इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, ये हमेशा ध्यान में रखने वाली चीज है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम, तो रेखित पेशियों में पाए जाने वाली प्रोटीन्स के नाम लिखिए। ठीक है, तो रेखित पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन्स के नाम क्या क्या है? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन इसका सही आंसर है दोस्तों। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13 यहां पर है, रक्त वाहिनियों में पाए जाने वाले ऊतक का नाम लिखिए। ठीक है, तो रक्त वाहिनियों में पाए जाने वाले ऊतक का क्या नाम है? शाल्की उपकला ऊतक। ठीक है, शाल्की उपकला ऊतक। ठीक है दोस्तों, हमें कई कमेंट्स के जरिए यहाँ आप लोगों के द्वारा बोला गया कि आप जो है इंग्लिश में भी बताइए, और क्योंकि बायो के वर्ड्स, बिल्कुल सही बात है, बायो के जो वर्ड्स होते हैं वो हिंदी में बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा यूज होते हैं, तो इसलिए इंग्लिश थोड़ा ईजी रहती है। तो दोस्तों जहाँ पर भी पॉसिबल हो पाता है हम वहाँ पर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने का प्रयास करते हैं, और इसमें आप देखेंगे इन प्रश्नों में बहुत अधिक से अधिक जगह पर इंग्लिश में दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है, तो आप इससे आपको इससे जो है काफी मदद मिलेगी, उम्मीद करते हैं दोस्तों। बाकी 100% तो कोई नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी, बाकी हम बहुत सारी मेहनत आपके लिए करते हैं। और प्लीज आप भी जो है वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, और अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में आप करते रहिएगा, हमें इसकी हमेशा उम्मीद रहती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, रेखित पेशियां थकावट महसूस क्यों करती हैं? ठीक है, तो रेखित पेशियां थकावट महसूस क्यों करती हैं? इसका आंसर है दोस्तों, रेखित पेशियों में लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड के संचय होने के, यानी कि लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण इसमें जो है थकावट महसूस होती है रेखित पेशियों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? तो पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इनको कंडरा कहते हैं, यानी कि टेंडन कहा जाता है। ठीक है, और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाली पेशियों को क्या कहा जाता है? ये स्नायु कहा जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट निकल के आते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 यहां पर देखेंगे, तो मास्ट कोशिकाओं से स्रावित होने वाले रसायनों के नाम लिखे। ठीक है, तो अंतराली ऊतक की मास्ट कोशिकाओं से हिपेरिन, ठीक है, हिपेरिन देखिए कोशिकाओं से हिपेरिन, हिस्टामिन तथा सिरोटोनिन आदि रसायन स्रावित होते हैं। यहां पर देखिए दो रसायनों के नाम लिखने थे, इसमें हिपेरिन नंबर एक है, दूसरा है हिस्टामिन और तीसरा है दोस्तों सिरोटोनिन। ठीक है, यहां पर तीन रसायनों के नाम दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये मास्ट कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिपेरिन का क्या कार्य है? ठीक है, तो हिपेरिन का क्या कार्य होता है दोस्तों? हिपेरिन क्या करता है? रुधिर को जमने से रोकता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर यह हो सकता है, देखिए हिपेरिन का क्या कार्य होता है? रुधिर को जमने से रोकता है। अगर हिपेरिन ना हो तो रुधिर जम जाएगा, और आप समझ सकते हैं कि रुधिर हिपेरिन का कितनी इंपॉर्टेंस है ब्लड में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन के क्या कार्य है? देखिए यहां पर हमने तीन रसायनों की बात की थी, मास्ट कोशिकाओं से स्रावित होने वाले तीन रसायनों के नाम इसमें हिपेरिन, हिस्टोमिन और सिरोटोनिन थे। तो दोस्तों उसमें हिपेरिन का कार्य है रुधिर को जमने से रोकना, और हिस्टामिन का कार्य और सिरोटीन के कार्य को लिखने की यहां पर बात की जा रही है। तो हिस्टामिन क्या कार्य करता है? रुधिर वाहिनियों को फैलाकर जलन, सूजन और प्रदाह संबंधी, ठीक है, जलन सूजन और प्रदाह संबंधी प्रक्रियाओं को बढ़ाता है। ठीक है, जलन सूजन और प्रदाह संबंधी समस्याओं को, प्रक्रियाओं को बढ़ाता है, सॉरी। और सिरोटोनिन क्या कार्य करता है? रुधिर वाहिनियों को सिकोड़कर रक्त स्राव को कम करता है। ठीक है, रुधिर वाहिनियों को सिकोड़कर क्या करता है? रक्त स्राव को कम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोलेजन तथा इलास्टिन तंतु को स्रावित करने वाली कोशिकाओं का नाम लिखिए। ठीक है, कोलेजन तथा इलास्टिन तंतु को स्रावित करने वाली कोशिकाओं का नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर है फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 20 है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन का नाम लिखिए। ठीक है, तो रुधिर का थक्का बनाने में दोस्तों फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है इसका मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। ठीक है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक फाइब्रिनोजन जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर आप 21 देखिए, श्वेत रुधिराणु का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो श्वेत रुधिराणु यानी कि व्हाइट WBC का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? लसिका गांठों में यानी कि लिम्फ नोड्स में, प्लीहा तथा अस्थि मज्जा में। ठीक है, लसिका गांठों, प्लीहा तथा अस्थि मज्जा में जो है WBC का निर्माण होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं में संभावना है इस तरह के प्रश्नों के आने की। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन क्या है? ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है?
नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो दोस्तों नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक सॉरी रचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई दोस्तों न्यूरॉन को कहते हैं, आप सभी जानते होंगे न्यूरॉन को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, रेटिकुलर ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? रेटिकुलर टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों रेटिकुलर कोशिकाएं हानिकारक जीवाणु और मृत कोशिकाओं तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके उन्हें क्या करती है? नष्ट करती हैं। तो रेटिकुलर टिश्यूज का क्या कार्य है? हानिकारक जीवाणु, मृत कोशिकाओं और अन्य हानिकारक पदार्थों को भक्षण करके उन्हें नष्ट करने का कार्य इनका होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भूरी वसा यानी कि ब्राउन फैट की क्या उपयोगिता है? देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूरी वसा और यानी कि ब्राउन फैट की क्या उपयोगिता है? दोस्तों भूरी वसा से सामान्य की तुलना से लगभग 20 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होते, ठीक है। तो दोस्तों देखिए भूरी वसा से जो है सामान्य की तुलना में 20 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों ये इसकी उपयोगिता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा, शेयर हो सकता है शेयर भी कीजिए, आप अपने सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा, हम इसका इंतजार करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कैचुए में क्लाइटेलियम का क्या कार्य है? ठीक है, तो कैचुए में जो है क्लाइटेलियम का क्या कार्य है? दोस्तों क्लाइटेलियम जनन काल में कोकून का निर्माण करता है दोस्तों, ठीक है। तो कैचुए क्लाइटेलियम क्या करता है? जनन काल में कोकून का निर्माण करता है। तो इसका कार्य क्या है? कैचुए में क्लाइटेलियम का क्या कार्य है? कोकून का निर्माण करना, जनन काल के दौरान कोकून का निर्माण करना जो है इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, कैंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो कैंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? आप सभी जानते हैं कैंचुए नीचे की मिट्टी को ऊपर पलटकर मिट्टी में वायु संचार को बढ़ाते हैं, ठीक है। मिट्टी में क्या करते हैं? वायु संचार को बढ़ाते हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर पलटकर वायु संचार को बढ़ाते हैं, तो कैंचुए को इसीलिए जो है किसान का मित्र कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय कैंचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? फेरेटिमा पोस्थुमा, ठीक है। फेरेटिमा पोस्थुमा जो है कैंचुए का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कैचुए में क्लाइटेलियम कौन से खंडों में पाया जाता है? ठीक है, क्लाइटेलियम कौन से खंडों में पाया जाता है? तो कैचुए में क्लाइटेलियम पाया जाता है दोस्तों 14वें, 15वें और 16वें खंड में पाया जाता है, ठीक है। ये 14, 15 एवं 16वें खंड में पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, फेटेरिमा की पेशणी के आंतरिक उपचर्म स्तर को पूर्णतया निकाल दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों फेरेटिमा की पेशणी का मुख्य कार्य मिट्टी युक्त भोजन को बारीकी से पीसना है जिससे एंजाइम जो है भोजन का पाचन कर सके, ठीक है। पेशणी के आंतरिक उपचर्म स्तर को पूर्णतया निकाल देने से भोजन का पाचन प्रभावित होगा दोस्तों, इसलिए जो है फेरेटिमा की पेशणी के आंतरिक उपचर्म को पूर्णतया निकाल देने पर जो है यहां पर जो है भोजन का पाचन प्रभावित होगा। कैचुए में प्रोस्टोमियम या मुखाग्र कहाँ स्थित होता है? ठीक है, तो कैचुए में प्रोस्टोमियम और मुखाग्र यानी कि प्रोस्टोमियम कहां पर स्थित होता है? कैचुए में जो है ये प्रथम खंड अर्थात प्रोस्टोमियम का अग्रभाग मुख के ऊपर फैला रहता है, ठीक है। तो कहां पर फैला रहता है? मुख के ऊपर फैला रहता है जिसे मुखाग्र या प्रोस्टोमियम कहते हैं, ठीक है, जिसे मुखाग्र या प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, क्लोरागोजन कोशिकाओं का क्या कार्य है? दोस्तों क्लोरागोजन कोशिकाएं क्लोरागोजन सेल्स से कशेरुकी जंतु के यकृत की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। जो कशेरुकी जंतु होते हैं उनके यकृत की तरह ये कार्य करती हैं क्लोरागोजन कोशिकाएं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, वृक्क क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों नेफ्रिडिया वृक्क यानी कि नेफ्रिडिया कैंचुए की उत्सर्जी इकाइयां होती है, ठीक है। ये क्या होती है? कैंचुए की उत्सर्जी इकाइयां हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर एक है पटी वृक्क होते हैं, दूसरा है अध्यावरणी वृक्क होते हैं और तीसरे हैं ग्रसनी वृक्क, ठीक है। तो कैंचुए में शुक्रग्राहिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कैंचुए में चार जोड़ी शुक्रग्राहिकाएं होती है, ठीक है। चार जोड़ी शुक्रग्राहिकाएं होती हैं दोस्तों, ये 6, 7, 8 तथा 9वें खंड में पाई जाती हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है तो आप इसे ध्यान रखिएगा, 6, 7, 8 तथा 9वें खंड में पाई जाती हैं ये शुक्रग्राहिकाएं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, शूक या सीटा क्या है? ठीक है, सूक या सीटा किसे कहते हैं? दोस्तों काइटिन से बनी एस आकार की संरचनाएं कैचुए में पाई जाती हैं, ये प्रचलन में सहायक होती हैं, ठीक है। तो एस आकार की संरचनाएं कैचुए में पाई जाती हैं, ये प्रचलन में सहायक होती हैं, इन्हें जो है ये काइटिन से बनी होती है। इसमें देखिए एक प्रश्न से कई प्रश्न यहाँ पर तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये काइटिन से बनी होती है, ऐसा आकार की संरचनाएं होती है जो कैचुए में पाई जाती है, और दूसरी बात ये प्रचलन में क्या होती है? सहायक होती है, सूक या सीटा कहलाती है।
तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 आप देखिए, टिप्लो शोल क्या है? ठीक है, तो टिप्लो शोल क्या है और यह कहाँ पाया जाता है? दोस्तों कैंचवे की आहार नाल के आंत में, ठीक है, कैंचवे की आहार नाल के आंत में यानी कि इंटेस्टाइन क्षेत्र में मध्य पृष्ठ तल पर पाए जाने वाला वलन यानी कि फोल्ड बड़ा होकर आंत की गुहा में लगभग मध्य तक पहुंचता है। लगभग जो आंत की गुहा में कहाँ, लगभग बीच तक पहुंच जाता है, मध्य तक पहुंचता है, इसे टिफ्लो शोल कहते हैं। यह अवशोषण तल में वृद्धि करता है, ठीक है, कहां पर वृद्धि करता है? अवशोषण तल में वृद्धि करता है। उसके बाद अगला प्रश्न, एक द्विलिंगी जंतु का उदाहरण लिखिए। ठीक है, एक द्विलिंगी जंतु का उदाहरण दोस्तों आप जानते हैं कैंचुआ यानी कि अर्थवॉर्म क्या है, एक द्विलिंगी जंतु है, तो इसका उदाहरण आप यहां पर आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कृमि क्षिप्तियां क्या है? ठीक है, वॉर्म कास्टिंग क्या है? दोस्तों कैंचवे के बिलों के मुख पर, ठीक है, कैंचवे के बिलों के मुख पर एकत्र अपचित भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थों से युक्त मिट्टी को कृमि क्षिप्तियां कहते हैं यानी कि वॉर्म कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, जो कैंचवे के बिल होते हैं उनके मुख पर एकत्र कुछ भोज्य पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थों से युक्त कुछ मिट्टी को क्या कहते हैं? कृमि क्षिप्तियां कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिलचट्टे का प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो जूलॉजिकल नेम इसका बताना है दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम बताना है तिलचट्टे का। दोस्तों तिलचट्टे का साइंटिफिक नेम होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो है तिलचट्टे का प्राणी वैज्ञानिक नाम होता है यानी कि जूलॉजिकल नेम होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 यहाँ पर देखेंगे हम, तिलचट्टे के लैंगिक द्विरूपता दर्शाने वाले कौन से लक्षण हैं? आप जानते हैं कैंचवा द्विलिंगी जीव है। दोस्तों इसमें नर के पश्चिम भाग में एक जोड़ी गुंद कटिकाएं यानी कि एनल स्टाइलस तथा एक जोड़ी गुंद लोम यानी कि एनल कैरिकी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मादा तिलचट्टे के पश्चिम भाग में एक जोड़ी गुंद लोम यानी कि एनल कैरिकी ही पाए जाते हैं, तो ये यहाँ पर जो है लैंगिक द्विरूपता दर्शाने वाले लक्षण माने जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, तिलचट्टे के रुधिर में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? तो दोस्तों तिलचट्टे के रुधिर में कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता, ये इसका आंसर है, कोई भी श्वसन वर्णक इसमें नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलचट्टे के सिर संपुट का निर्माण कितने खंडों में होता है? तो तिलचट्टे के सिर संपुट का निर्माण दोस्तों 6 भ्रूणी खंडों से होता है। ठीक है, 6 भ्रूणी खंडों से, 6 भ्रूणी खंडों से होता है इसका सिर संपुट का निर्माण। दोस्तों अगला प्रश्न है, तिलचट्टे में श्वसन के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं? दोस्तों तिलचट्टे के लिए श्वसन में जो है श्वास नाल पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रेकिया। ठीक है, तिलचट्टे में श्वसन के लिए ट्रेकिया पाया जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कीटू में कितनी टांगे पाई जाती हैं? कीटू में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, कई बार पूछे जाते हैं और काफी कंफ्यूजन वाले ये प्रश्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, कॉकरोच में पेशणी का क्या कार्य है? ठीक है, कॉकरोच में पेशणी का कार्य होता है दोस्तों, पेशणी क्या करता है? पेशणी में भोजन पीसता है। ठीक है, तो क्या कार्य है? भोजन पीसने का कार्य है इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, कॉकरोच में अंड कवच का क्या महत्व है? ठीक है, तो कॉकरोच में अंड कवच का क्या महत्व है? अंड कवच दोस्तों अंडाणु की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो अंड कवच क्या करता है? अंडाणु की सुरक्षा करता है। तो अगला प्रश्न है, यदि तिलचट्टे के मुख उपांगों से मैक्सिलरी पाल्प एवं लेबियम हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों इसमें तिलचट्टा भोजन की तलाश नहीं कर पाएगा और भोजन ग्रहण नहीं कर सकेगा। ठीक है, अगर उसके मुख उपांगों से मैक्सिलरी पाल्प एवं वेलियम को हटा दिया जाए, लेबियम को हटा दिया जाए, तो इससे जो है तिलचट्टा भोजन की तलाश नहीं कर पाएगा और भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 देखिए आप, मैंडिबल कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या कार्य है? दोस्तों मैंडिबल तिलचट्टे के मुखांग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मैंडिबल जो है तिलचट्टे के मुखांग हैं, ये सिर संपुट से लगे रहते हैं और भोजन को कुतरने और चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये सिर संपुट से लगे रहते हैं और भोजन को कुतरने और चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कीटू में उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? दोस्तों कीटू में उत्सर्जी अंग मैलपीगियन नलिकाएं होती है। ये काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैलपीगियन नलिकाएं होती है, मैलपीगियन ट्यूबल्स जो है इसके लिए कीटू में उत्सर्जी अंग होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कॉकरोच के मुख उपांग किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कॉकरोच के मुख उपांग जो है भोजन को कुतरने और चबाने के लिए उपयोजित होते हैं। ठीक है, उपयोगी होते हैं। उसके बाद भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम बताना है, अगला प्रश्न इसमें आ रहा है, भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम आप बताना है इसमें। दोस्तों काफी इजी प्रश्न है, राणा टिग्रीना। ठीक है, तो राणा टिग्रीना जो है भारतीय मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेंढक के शरीर में पाए जाने वाले 2 अनुकूलन लिखिए। ठीक है, तो मेंढक के शरीर में पाए जाने वाले 2 अनुकूलन दोस्तों आप सभी जानते होंगे, मेंढक का शरीर जो होता है धारा रेखित होता है। ठीक है, कैसा होता है? धारा रेखित होता है। पस्त जो उसके पिछले पाद होते हैं दोस्तों, उसमें पाद जाल पाया जाता है। ठीक है, पाद जाल, उसके पादों में जो पश्चिम पाद होते हैं उनमें पाद जाल पाया जाता है। और दूसरा, इसका दूसरा अनुकूलन क्या है कि मेंढक त्वचा द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, त्वचा पतली नम और चिकनी होती है इसकी। ठीक है, मेंढक की त्वचा जो है नम होती है, पतली होती है और चिकनी होती है। ठीक है,
उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, आप देखिएगा। प्रश्न नंबर 53 है, नर मेंढक को बाह्य लक्षणों के आधार पर कैसे पहचानते हैं? ठीक है, तो नर मेंढक में वाक कोश यानी कि वोकल साक होते हैं तथा अग्रपादों में मैथुन गद्दियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दो चीज है, नर मेंढक को पहचानने के बाह्य लक्षण क्या है, इसमें वोकल साक होते हैं, साक्स होते हैं तथा अग्रपादों में मैथुन गद्दियां पाई जाती हैं। तो ये जो है भौतिक लक्षण इसके हैं जिससे हम जो है नर मेंढक को पहचाना जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रीष्म तथा शीत निष्क्रियता किसे कहते हैं? ग्रीष्म तथा शीत निष्क्रियता किसे कहते हैं? दोस्तों मेंढक एक असमतापी प्राणी है, दोस्तों मेंढक एक असमतापी प्राणी है। कई बार असमतापी प्राणी के उदाहरण लिखने को भी आ जाते हैं, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेंढक किस तरह का प्राणी है, समतापी असमतापी वगैरह इस टाइप से। तो मेंढक क्या है, असमतापी प्राणी है। यह गर्मी तथा सर्दी से बचने के लिए कीचड़ में धस जाता है। ठीक है, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए कीचड़ में धस जाता है, इसे क्रमशः ग्रीष्म निष्क्रियता तथा शीत निष्क्रियता कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न को कितने डिटेल से और कितने अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं समझता हूं ये आपके लिए हो सकते हैं। तो आप जो है, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, और हमें बताइए बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा और कैसा हमसे ये वीडियो बन पाया है। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और वीडियोज बनाए तो प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रीष्म तथा शीत निष्क्रियता में मेंढक किस प्रकार श्वसन करता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मेंढक जो है श्वसन त्वचा श्वसन त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है, मेंढक में परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? धमनियों में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है मेंढक में, ये बताना है। दोस्तों मेंढक में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। ठीक है, बंद प्रकार का होता है। धमनियों में मिश्रित रुधिर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो धमनियों में मिश्रित रुधिर क्या होता है, प्रवाहित होता है। इसमें देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, एकल तथा दोहरा परिसंचरण जिन प्राणियों में पाया जाता है उनके एक एक उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों एकल परिसंचरण किस किस में पाया जाता है, इस पर हम सबसे पहले बात करें। देखिए मछलियों तथा मेंढक में पाया जाता है, एकल परिसंचरण किस में पाया जाता है, मछलियों तथा मेंढक में पाया जाता है। और दूसरा है दोहरा परिसंचरण, यहां पर तो पक्षियों तथा स्तनधारी प्राणियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसमें एकल और दोहरा परिसंचरण के उदाहरण की बात की गई थी। तो अगला प्रश्न है, मेंढक में आहार नाल तथा शरीर के पश्चिम भागों से सिराए रक्त एकत्र करके यकृत तथा वृक्क में पहुंचाती हैं, इस तंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों तो दोस्तों इस तंत्र को यकृत निवाहिका तंत्र या वृक्क निवाहिका तंत्र कहा जाता है। ठीक है, यकृत निवाहिका तंत्र या वृक्क निवाहिका तंत्र कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेंढक की लाल रुधिर कणिकाओं तथा मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या अंतर होता है? देखिए काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, मेंढक की लाल रुधिर कणिकाओं तथा मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या अंतर होता है? दोस्तों तो मेंढक की जो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वो केंद्रकमय तथा मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। दोस्तों देखिए इसमें दो चीजें, जो मेंढक की लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो केंद्रकमय होती हैं और मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं, ये यहां पर दो कॉमन से अंतर है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, मेंढक में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों ये यूरिया होता है, मेंढक में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। प्रश्न नंबर 61 है, मेंढक में अंड का संसेचन कहाँ होता है? तो दोस्तों मेंढक में अंड का संसेचन कहाँ पर होता है ये बताना है। मेंढक के अंड का संसेचन शरीर से बाहर जल में होता है। आप सभी जानते होंगे मेंढक में जो है अंड का संसेचन कहाँ पर होता है, शरीर से बाहर जल में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पैरापोडिया किस वर्ग के सदस्यों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों पैरापोडिया जो है संघ एनिलिडा के वर्ग पॉलीकीटा के सदस्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, संघ एनिलिडा और वर्ग पॉलीकीटा के सदस्यों में पाए जाते हैं पैरापोडिया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 62 प्रश्न जो हमने प्राणियों के संरचनात्मक संगठन से हमने यहाँ पर डिस्कस किए। दोस्तों मैं समझता हूँ इन 62 प्रश्नों में जो है आपने कई प्रश्न तैयार किए होंगे और ये इतने डिटेल में ये प्रश्न थे और इतने इंटरेस्टिंग प्रश्न थे। दोस्तों काफी अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप, मैं समझता हूँ कि एक भी प्रश्न हमसे नहीं छूटेगा। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।